हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, चाहे प्राइवेट ऑफिस हो, या आपका अपना खुद का बिजनेस हो और आपको एक्सेल पे काम करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सेल में जो भी टाइप करते हैं उसको हम इंग्लिश में टाइप कर देते हैं या टाइप करते ही करते हैं, और उसके बाद हमें कहा जाता है कि भाई ये डाटा हमें इंग्लिश में नहीं चाहिए, हमें टोटल ये डाटा हिंदी में चाहिए था, अब हम करेंगे क्या। अब प्रॉब्लम सामने आ जाती है, अगर एक पेज का डाटा हो तो चलो लिख लिया जाएगा, लेकिन 1000 पेज टाइप कर चुके हों तो अब उसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें, ये एक बड़ा टास्क है। तो हम आपको जो तरीका बता रहे हैं उससे आपने चाहे तो 1 पेज टाइप किया हो, चाहे तो 1000 पेज टाइप किया हो, दोनों ही केस में आपका डाटा विद इन 5 मिनट्स आपका डाटा पूरा का पूरा हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पूरी ट्रिक बताएंगे, साथ ही साथ आपको पूरा फार्मूला ध्यान में रखना है। फार्मूले के अंदर जो भी चीज़ें बताएंगे वो सारी चीज़ें आपको समझनी है, और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि अगर ऐसी सिचुएशन से आप गुजरें तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर, लेकिन आपको पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इसको सीखने के बाद एक्सेल पे काम करने का एक्सपीरियंस आपका डबल हो जाएगा। यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, नेम्स को आपको सारे नाम हिंदी में चाहिए, बहुत सारे नाम हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हम जैसे ऊपर की ये लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ पर ये नेम्स लिखा हुआ है, और नीचे से यहाँ लेते हैं, इन पूरे नामों को मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना है, वो भी यहाँ पर साइड में लिखना है, पूरे नाम हिंदी में आने चाहिए, वो भी ऑटोमेटिक आएंगे कैसे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको हम माउस से या एरो की डाउन से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों में से कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं, जितने भी नाम हैं इसके अंदर मैंने 100+ शायद लिख रखे हैं, ठीक है, मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के बाद हाँ ये हो गया पूरे, ठीक है। तो अब ये सारे नाम हो गए, अब इन नामों को सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है कि मैं इनको कॉपी कर लूँगा। कॉपी का तरीका आपको पता है, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो होम पे जाइएगा तो यहाँ पर भी आपको ये कॉपी का बटन दिख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्लिक करके हम इसको कॉपी कर सकते हैं या कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये कॉपी हो गया, कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम ओपन करेंगे यहाँ से क्रोम को, क्रोम ओपन करते हैं, यहाँ से क्रोम को ओपन किया हमने। क्रोम ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये इतनी बिंदी दिखा रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे सीधे यहाँ पर, मैं ढूंढना है इसके अंदर कहाँ पर लिखा हुआ है गूगल शीट, ये देखिए शीट आ गया नीचे, ठीक है। तो गूगल शीट खोलने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको आसान तरीका बताया कि आप क्रोम में जाकर के ओपन करें, और ओपन करने के बाद यहाँ सीधे क्या होगा कि आपके सामने एक शीट खुल करके आ जाएगी, ये गूगल शीट होगी। पर क्या करना है, मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा, तो जितने नाम वहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए थे वो सारे नाम आपको यहाँ पर शीट पर दिखने लगे। बड़े आ रहे हैं तो कॉलम को थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और चाहे तो यहाँ से इसका भी आप थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 लिखा है तो आप इसको थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि ये आपको विजिबल हो, मैं 125 करता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको और अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस वाले कॉलम में जो ये बी वाला सेक्शन है यहाँ पर मुझे इसको पेस्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर हम इसको यहाँ पर हिंदी में चाहते हैं, यहाँ पर सीधे कर्सर लेंगे, कर्सर के बाद लिखेंगे इक्वल टू और इक्वल टू लिख देंगे, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट लिखने के बाद मुझे ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये जो आस्था त्रिवेदी लिखा हुआ है, या ए कॉलम जो हमारा है, ए का 3 पोजिशन है, थर्ड रो में, तो मैं लिख दूंगा A3 में है ये कॉमा, और ये किस लैंग्वेज में अभी लिखा हुआ है तो मैं डबल कोट्स लगा करके यहाँ लिख देता हूँ EN, केवल 2 लेटर हमें लिख रहे हैं, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, फिर कॉमा लगाता हूँ, और मुझे किस में चाहिए तो उसके लिए मुझे हिंदी में चाहिए तो मैं HI लिख देता हूँ, और इसको मैं बंद कर देता हूँ और ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ और इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो नाम है वो अपने आप हिंदी में लिख करके आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर लेटर चेंज होता है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया जिससे हम इसको कर सकते हैं। और अगर सारे नाम मुझे ठीक करने हैं तो अब हमें क्या करना है, ये फार्मूला मुझे कॉपी करना है, तो मैं यहाँ जो यहाँ पर कॉर्नर पे आएंगे और ये ऐसा प्लस आ जाएगा, इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो सेम फार्मूला सब जगह कॉपी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जितने भी नाम थे वो सब हिंदी में कन्वर्ट हो चुके। अब आप देख सकते हैं सारे के सारे नाम हिंदी में हो गए, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, और कहीं पर हल्का फुल्का अगर चेंज आया है तो उस चेंज को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार में इसने सारा काम कर दिया है, गूगल के पास जैसा भी डाटा है उसके हिसाब से उसने उसको काम करके दिखा दिया है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे वापस, और यहाँ पर इसको जितना भी हिंदी वाला पोर्शन है माउस से या एरो से इसको हम सिलेक्ट करते जाएंगे, और जैसे ही हमारा सिलेक्शन पूरा होगा वहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करेंगे और फिर से एक बार कॉपी कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास गूगल शीट में और हमें इसको चाहिए ले जाना है एक्सेल में, तो जब हम एक्सेल में ले जाते हैं फिर वहाँ पर हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है ताकि ये करेक्शन भी हो जाए। जैसे यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे और इस कर्सर के बाद यहाँ पर हम कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद आप देखेंगे कि इसका थोड़ा फ़ोन छोटा आ रहा है, मैं इसका फ़ोन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से विजिबल हो जाए,
अब इसमें करेक्शंस हैं, जैसे गूगल ने अपने हिसाब से आस्था का नाम सही नहीं लिखा है, KNT है तो इसको सही नहीं लिखा हुआ है, तो ये सब अपने हिसाब से थोड़ा बहुत हम लोग करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कि अगर आपको एक्सेल में ये काम करना है कि आप चाहते हैं कि कोई भी इंग्लिश का कंटेंट इसको हिंदी में पूरा का पूरा कन्वर्ट करना है तो बहुत अच्छे से कर देता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको एक बार रीडिंग प्रूफ जरूर करना पड़ेगा कि जो चीज़ें इसने गूगल ने अपने हिसाब से किया है वो बिल्कुल सही है नहीं सही है, और अगर नहीं सही है तो उसको आपको ठीक करना है।